आज हम बहुत ही एक अद्भुत कॉन्सेप्ट को जानेंगे, पिता महापत्री जी का ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्री जी का टीचिंग्स बहुत ही सिंपल सरल होते हैं और हम चलते चलते, गाना गाते हुए चलते हुए, इसका आचरण करते हुए पता भी नहीं चलेगा कि हम मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ गए हैं। तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, मगर ये बहुत ही पावरफुल, जो हमें हर पल हमारे साथ रहती है। तो ये है नवविध धर्मा। तो धर्मा क्या है, क्यों धर्म को जानना है? हम सब जानते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, और अभी हम कर्म सिद्धांत को भी जाने हैं। थोड़ा सतर्क तो हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हमारे जीने के प्रति, सोचने के प्रति, हम जो भी करते हैं हम कॉन्शियस होकर इस जीवन को हम जी रहे हैं। तो फिर भी हमको अनकॉन्शियसली बहुत सारा कर्म होती है, हमको पता भी नहीं कि ऐसा क्या है। तो एक कर्म सिद्धांत जो है इस धरती पर जो लागू होती है, यानी ये अमी तुमी, योर्स एंड माइन, हम जो एक दूसरे को कर लेते हैं उसका हिसाब तसाब, ये चक्कर है ये कर्म का। तो ये धर्मा क्या है? ये धर्मा होती है जो विश्व का नियम, जो नियम चलती है, ये पूरा विश्व का एक नियम होती है। तो विश्व का नियम को हम धर्म कह सकते हैं। तो ये अच्छा बुरा, कभी कभी बुरा अच्छा हो सकती है, कभी बुरा अच्छा भी हो सकती है, अच्छा बुरा भी हो सकती है, समय स्थान के परिस्थिति से सब कुछ बदलते रह जाती है। तो ये अलग है, और धर्म के बारे में जानना ये अति अवसर है, क्योंकि अभी हम मानव से दिव्य मानव की ओर, विश्व मानव की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये विश्व मानव बनने का ये नियम क्या है, क्या है वो नियम? जब अगर हम जाने तो अनकॉन्शियसली भी हम कर्म नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं, उस विश्व नियम के अनुसार हम चलेंगे और सब कुछ हम प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग वुड बी 100% राइट। किसको 100% राइट रहना है? हाथ उठाए, वी ऑल नो। तो अभी तक नहीं जाने हैं तो आज जानेंगे, अगर अभी तक अगर हम जाने हैं तो आज से हम इसका आचरण हम करेंगे। तो ये 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 जो नवविध धर्म है, 2009-10 का समय, बहुत ही पुरानी कॉन्सेप्ट है। तो पत्री जी का कॉन्सेप्ट जो भी डायरेक्टली सुने हैं, जैसे कि तेलुगु में सर बोलते थे, तो आंध्रा तेलंगाना के मास्टर्स जो भी तेलुगु आते हैं, उन सभी के जीवन में कभी भी कोई प्रश्न नहीं रहते, उनका टोटल क्लैरिटी, आत्मज्ञान के संबंधित, स्वयं के प्रति सब कुछ, इस जीवन का सब कुछ। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ अलग अलग नहीं होती, दोनों भी एक ही। तो जब एक क्लैरिटी आ जाती है तो हमको कभी डाउट नहीं रहती है, तो कभी हम रुकेंगे नहीं, किसी और हमारे साथ रहे या ना रहे, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो हमको बनना ही है, हम सब इंडिपेंडेंट मास्टर्स हैं, अकेले आए हैं, अकेले जा रहे हैं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बस थोड़ा समय तक साथी बन के रह सकता है। तो इन सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए अगर इस धर्म का, विश्व का धर्म का, नियम का अगर हमको पता चल गए, और भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत अद्भुत रूप से होगी फ्रेंड्स। तो नवविध धर्म, ये ध्यान यज्ञ का, ध्यानमा चक्रम के समय डेली एक कॉन्सेप्ट सर बताए थे, बहुत ही वंडरफुल। जैसे कि हम डेली वेट करते थे कि आज क्या बताएंगे, आज क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सर बताते ही बस वो चेतना इमीडिएटली एक शिफ्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि अभी हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे 21 डेज 41 डेज, जे महीना अभी तो आई हूँ, तो ऐसा नहीं, इमीडिएटली, क्योंकि धर्म जो होती है इमीडिएट एक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ठीक है, हम देखभाल करेंगे, विल ट्राई, कभी कभी ऐसा नहीं होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी है ध्यान धर्म। तो हम सब कर रहे हैं ना, जोरदार तालियां। इस एक धर्म को जो भी फॉलो करते हैं, समझ लीजिए हम विश्व मानव हम बन गए हैं।
तो और एक बार ताली। हम क्या हैं अभी? वी आर द कॉस्मिक बीइंग्स। ये नॉर्मल इस धरती का नहीं, हम पूरा विश्व का हम मानव बन गए हैं क्योंकि हम ध्यान धर्म का हम आचरण करें हैं। तो ध्यान हमको चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ध्यान करना है। गाना गाएं गाना नहीं गाएं, नींद आ रही नहीं आ रही है, कष्ट है सुख है भोग है एनी प्रॉब्लम्स, और बहुत ही आनंद उत्सव में जीवन चल रही है, रोगग्रस्त है, अभी नेक्स्ट सेकंड में आप मरने वाले हैं, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, हर एक समय में हमारे जीवन में ध्यान ही एकमात्र हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति इस ध्यान धर्म को अपने जीवन में अपनाएगा, उनको हर समय उनके जीवन के हर एक संघर्ष, हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक डाउट्स, हर एक समस्या का समाधान उनको खुद मिलेगी। जैसे कि हम अकेले आए हैं, अकेले जा रहे हैं, और हमारे भीतर ही हमारे सभी संघर्षों का वो आंसर पेपर भीतर है, लीक्ड है, तो टोटली ओपन है हमारे पास आंसर्स के साथ। तो ध्यान से हम उस आंसर्स को जान सकते हैं, जाकर इस प्रश्न का समाधान क्या, आगे मार्गदर्शन क्या है, ये क्यों आए हैं, कारण कार्य संबंध क्या है, उन सभी बातों को हमको समझ में आ जाएगी जब हम इस ध्यान को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो ध्यान किस तरह का ध्यान हम करें, तरह तरह का ध्यान, बहुत ध्यान है, मगर हमको आनापानासति ध्यान करना है। क्यों आनापानासति? इसके प्रति कुछ पार्शियलिटी या पत्री सर ने हमको बताया तो हम इसको ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये पूरा विश्व पूरा एक दगा से, एक सूत्र से जुड़कर है, वो है श्वास के माध्यम से। हम श्वास के माध्यम से इस पूरा विश्व से जुड़े हैं। तो ये ब्रह्मांड पिंडांड, हमारे भीतर पिंडांड और उस ब्रह्मांड, इस श्वास के धागे से हम जुड़े हैं। तो उस ब्रह्मांड से जुड़ना है और उस अनंत तत्व से हमको जुड़ना है तो श्वास ही एकमात्र माध्यम है। हमारे कई सारे गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, निर्देशित पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लेकर मेडिटेशन करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन के लिए, हम अपने आप को सही करने के लिए, विकल्पों से सही क्लैरिटी के लिए, वो सब है, वो ध्यान नहीं है। तो ध्यानम निर्विषयम अनय, ये ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, ये जितना मन चल रहे हैं उस मन को हम अपना जीवन, जो मन घेर के रखी है, जो मन चला रही है, इस इंडिविजुअल माइंड को हटाकर उस यूनिवर्सल माइंड को ऑपरेट करना है। तो इस माइंड को हर तरह से हमको खाली करना है। तो खाली होना है, विश्व से जुड़ना है, विश्व मानव बनना है, तो विश्व का श्वास लेना है। तो विश्व का श्वास कब लेते हैं? जब ध्यान अपने जीवन में अपनाते हैं। तो हमारी स्वधर्म ध्यान धर्म है, कुछ भी हो जाए। तो तेलुगु में एक प्रोवर्ब है, तन्नु मालिन धर्ममो मोदलु चेड्ड बेरु। तो पहले हम अपने आप को उद्धार करना है। हम दूसरों को उद्धार करने के लिए जाते हैं, अभी हम सब प्रचार कर रहे हैं, कहीं लोग सोशल सर्विस करते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इट इज़ नॉट, उसका कुछ काउंट नहीं रहती है। पहले हम अपनी आत्मा का उद्धारण करना है। वी नीड टू एनहांस आवर सेल्फ, क्योंकि हम इस धरती में आए हैं उस अनुभवों का ज्ञान को जोड़कर, अंधकार को मिटाकर, ज्ञान का प्रकाश से अपने आप को प्रकाश में बनाकर, जो विश्व मानव हम हैं, आत्मा परमात्मा स्थिति में परिवर्तन होने के लिए, वह वही असली मकसद है हमारी। ये बाकी सब ड्रामा है, ओके? सो इस ड्रामा में हमको ज़्यादा पार्टिसिपेट उलझना नहीं, हम सिंपली उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचकर हर चीज़ों को करना है। बाकी एक ही एक हमारी प्रायोरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए, स्वधर्मा की ध्यान दर। तो हम अभी क्या है, हमारे जीवन में कई सारे तरह तरह का मनस्थिति होती है। अभी गुणों के बारे में जाना, तामसिक गुण, रजोगुण, अच्छा बुरा, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। तो हम अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं कि अरे मैं यहाँ पर सही नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, इस तरह का हमें गिल्ट फीलिंग्स आते हैं, मैंने वो कर्म गलत किया है। तो अभी इमीडिएटली हम नहीं परिवर्तन हो पाते, तो गिल्टी फीलिंग्स हमको नहीं रखना है। हमारे साथ क्या हो रही है, हम क्या है, उसके संबंधित कोई भी गिल्टी फीलिंग्स नहीं रखते हुए
हमको क्या करना है, हमें सिर्फ ध्यान करते रहना है। ध्यान करते करते अपने आप परिवर्तन हो जाती है। तो हम जेंटल रहते हुए अपने प्रति ध्यान साधना करते हुए हम धीरे से परिवर्तन आएंगे, मगर अवेयर रहेंगे कि मैं बदल रही हूँ कि नहीं, मेरे भीतर परिवर्तन आ रही कि नहीं। तो जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं, सही ध्यान करते हैं, तो अपने आप में एक 1 आवर की ध्यान भी बहुत है अपनी दुख से बाहर आने के लिए, ज्ञान का प्रकाश से जीवन को भरने के लिए। तो एक 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स के लिए भी हमारी ध्यान श्वास पे नहीं रुकती है, बस 1, 2, 3, 10, 15 सेकंड्स फिर भाग जाती है माइंड, कहीं ना कहीं विचारों की तरफ भागती है। तो वापस अपनी श्वास पे, वापस अपनी श्वास पे टोटल फोकस। न जाने कितने ही श्वास हमने गवा दिया कितने ही जन्मों में। तो अब से क्या है, बिफोर ईटिंग, बिफोर डूइंग एनी वर्क, सबसे पहला प्रायोरिटी ध्यान है। करेंगे अभी ध्यान 100%? यस। बिना ध्यान कुछ भी और कुछ भी, अपने बच्चों का देखभाल कुछ भी हो, सब कुछ पहले अपने आप को ध्यान करने के बाद। अगर छोटे बच्चे हैं तो सुबह जल्दी उठकर ध्यान करके फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। रात सोने से पहले ध्यान करिए, तो मॉर्निंग 1 आवर, नाइट 1 आवर हमको ध्यान करनी है। अगर समय है तो हमारे सर कैसे बताएं, 15 मिनट, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी चीज़ों को हम ध्यान से जोड़कर ध्यान करते रहेंगे, तो अपने जीवन में धीरे धीरे से परिवर्तन अपने आप होती जाएगी। फ्रेंड्स, हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, जो भी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं तो वो भी हमसे दूर भागती रहती हैं। मगर जब बैठ के हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं, धीरे 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 से एक मैग्नेटिक इफेक्ट में वो जो भी हमारे भीतर वो डिस्टर्ब्ड माइंड था, गुण था, वो परिवर्तन होकर हम मैग्नेटिक बन जाएंगे। सब कुछ जो चाहिए हमारे पास अपने आप आ जाएगी, जो हमारे हैं अपने पास आ जाएगी। तो ये है ध्यान धर्म। तो सेकेंड है, और द फोरमोस्ट हम कह सकते हैं यही फर्स्ट धर्म है, क्योंकि वो हमारी स्वधर्म है। जन्म लिया है तो हमको ध्यान करना है, अपने आप को उद्धार करना। तो ये सेकेंड धर्म है अहिंसा धर्म। तो अहिंसा धर्म है, ये परधर्म में आती है। तो जो भी हम हमारे जीवन के संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं, अपने बच्चों के प्रति, पति पत्नी, हमारी फैमिली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सभी चीज़ों को हम निभाते रहते हैं, वो मेरी धर्म है, मुझे निभाना होगा, हम जानते हैं। तो उन सब से, उन सभी धर्मों से, तो पत्री जी यही कहते हैं कि अनेक अनेक धर्म हैं, इतने विश्व नियमों का धर्म अगर जानना शुरू करें तो बहुत लाखों धर्म हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको लिबरेट कर सकती हैं आज हम वो जान रहे हैं। तो अहिंसो परमो धर्म, सबसे हमारा फर्स्ट धर्म होती है दूसरों के प्रति। यानी जन्म लिया, अपना जीवन का सही कर लिया, तो नेक्स्ट इमीडिएट होती है कि अहिंसा परमो धर्म। किसी भी तरह का हिंसा का पात्र हमको नहीं बनना है। ये जो सृष्टि में हर कोई अपना अपना अनुभव लेने के लिए आए हैं, तो अनुभव लेने के लिए आए, तो पशु पक्षी एवरीथिंग, ऑल द लिविंग थिंग्स, ऑल द सेंटियंट बींग्स, हर कोई अपने अपने जीवन जीने के लिए आए हैं। तो जो भी आए हैं तो हम उनसे थोड़ा नॉलेज है, उनसे थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग है, तो हमको ये नहीं समझना कि हमारा उनका हक है, हमारे टेस्ट के लिए, हमारी फैंसीज के लिए, हमारी एंजॉयमेंट के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग थॉट है, थॉट प्रोसेस है, एक गलत सोच है, बिल्कुल ही गलत सोच। यानी ये विश्व का नियम का ये पहला नियम है और आखिरी नियम भी है, जो पनिशमेंट्स हमको मिलती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा आप मुझे धोखा दिए, मैंने आपको धोखा दिया, हमने झूठ बोल दिया, कभी कभी जो भी इसका कर्म लगती हमको बताएं, जो हम दोनों की बीच की बात है, तुमने ऐसा किया तो तुमको इस चीज को भुगतना पड़ेगा। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस एक्शन रिएक्शंस के संबंधित हमको जो करते हैं वो भुगतते हैं, जैसे करने वैसे ही बने।
मगर जब हिंसा करते हैं, जब हिंसा करते हैं तो यूनिवर्स पनिशमेंट देती है हमको, उस यूनिवर्स से पनिशमेंट मिलती है। तो जो भी बाढ़ आते हैं, जो अभी कोरोना आ गई है, शायद अभी वेरोना आएगी, तो इससे पहले अगर हम अपने आप को सवर कर, सुधर कर, कहीं भी इस तरह की पात्र अगर हम बने तो हमको इमीडिएटली सही करना है। तो पहले हम अपने आप को उसको रोकना है, फिर हमको रियलाइज करना है, प्रायश्चित करना है, परिहार करना है। परिहार क्या? अभी वेजिटेरियनिज्म के बारे में सबको बताएं कि हिंसा करने से हमारे जीवन, सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारी बच्चे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब हमारी बात बच्चे की आती है तो इमीडिएटली हम सुधर जाते हैं, कहीं हमारे बच्चों को पाप ना लग जाए। तो 100% लगती हैं जनरेशंस, तो याद दिलाना सबको। तो इसके संबंधित मेरा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ध्यान में आने से पहले मैं बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, बहुत सारा थी मैं। किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं रोती रहती, और मगर मैं नॉन वेजिटेरियन थी, यानी हिंसा का खाना मैं खा रही थी, मुझे पता भी नहीं था। गिल्टी फीलिंग रहती थी मगर वो नहीं खाना मुझे पता भी नहीं था। तो एक ध्यान में आने के बाद ही वो बिना मैंने नहीं सुना, क्योंकि 2009 की बात है, इतना अवेयरनेस नहीं थी हमारे सोसाइटी में, यूट्यूब में ये सब नहीं था वो समय। तो मैं अपने आप वॉमिटिंग हो गए और मैं उसको छोड़ दी। तो फिलहाल वो नहीं खाना वो गलत है, इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो एक बार मैं ऐसा ही मैं शॉप में मैं देखी हूँ, तो वो उस चिकन को ब्रॉयलर में डाले हैं, डालकर वो जिंदा उसको डालकर उबालकर उसको डालकर काटने के लिए वो बैठे। तो अब क्या कर रहे हैं ऐसा? तो बोला है तो हाँ आपको तैयार कर रही है। तो मुझे इतना रोना आया, मैं शिवरिंग होकर काम कर ऑलमोस्ट वहाँ पर चक्कर होकर गिरने वाली थी, इतनी मूर्ख, अज्ञान, कितना हिंसा, मर्डरर थी मैं कि मुझे पता भी नहीं था कि इतना हिंसा दे करके वो खाना मेरे घर पर आ रही थी और मेरी बेटी के लिए मैं दे रही थी। तो जैसे ही वो उसको निकाला, मैं अपने मेरी बेटी को उस ताल के ऊपर है जैसा मैं ऐसा विजन देखी, यानी क्योंकि मैं ध्यान में आ गई तो एक टोटल वननेस की अनुभव भीतर ऑलरेडी जागृत हो गए। तो वो मेरी बेटी जैसा देखी, इमीडिएटली मैं वहाँ से भाग गए और फिर मैंने पश्चाताप किया, वेजिटेरियन रैलीज ये सब, और हर जगह पर मैं इस बात को समझाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई माँ जो है, पिता जो है, जब अपना बच्चा को ये खाना खिलाएगा तो उनको याद आएगा कि मेरा बच्चा, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी हम कहते हैं, तो हमको भी मर्सीफुल रहना है। तो नहीं खाना चाहिए, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम रास्ते में हम जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो हमको रास्ता पता है तो हम बस चलते रहते, आई नो एवरीथिंग, तो हम बदलो बोले तो एक एरोगेंट ड्राइवर जो रहता है, जो सब कुछ जानता है, वो क्या कहता है, मैं पूरा रास्ता मुझे पता है, मैं चले जाऊँगा बोलकर जाता है। मगर एक जगह पर आकर आगे खाई है, टेक लेफ्ट बोले तो हम क्या करते हैं, नहीं मुझे सब कुछ पता है, इमीडिएटली मैं नहीं बदल पाऊंगी, हम सोचेंगे क्या, खाई में गिर जाएंगे। तो वही होगा इस धर्म को अगर इमीडिएटली हम नहीं अपनाएंगे तो। तो जोरदार तालियां फ्रेंड्स फॉर ये मैसेज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, सब तक पहुंचाना। पता नहीं कौन इसी तरह का अच्छी बात से नहीं समझे तो इस कनेक्शन से सुधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम अच्छी तरह से, हमारी माइंड मैनिपुलेटिव है, तो अच्छी तरह से उसको इस कनेक्शन को बताकर उनको बंद करवाना है, क्योंकि उनके भलाई के लिए, क्योंकि पता नहीं अभी वेरोना के बाद और कुछ भी आ सकती है, तो हमारे जनरेशन क्या होगा, धरती का क्या होगा। उन सभी लोगों का वजह से आज धरती में हम जितना भी युद्ध देख रहे हैं, भीतर एक युद्ध, परिवार में एक युद्ध, बाहर एक युद्ध, इतना युद्ध हम देख रहे हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ, लव, कंपैशन, फ्रेंडशिप इज लॉस्ट। क्यों? इस हिंसा प्रवृत्ति के कारण। इस हिंसा प्रवृत्ति से हमको बाहर आ जाना है।
तो अभी बात, हम तो नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं, वेजिटेरियन बन गए हैं, शाकाहारी का बैजेस हम लगाए, तो हम सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छा, मेहरबानी कर दिया, जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस बन गए तो कुछ भी मेहरबानी नहीं करें, अपने आप को सेफ कर लिए अपने आप को हॉरिबल सिचुएशन से। तो अभी बात आती है हमारी सिल्क साड़ी, हमारी बात आती है हमारी बोन चाइना कटलरी, बात आती है हमारी ब्यूटीफुल पर्ल्स, बात आती है हमारी क्रोकोडाइल की, और जो लेदर बैग्स, लुई विटन बैग्स, लुई विटन शूज, बेल्ट्स, लाखों लाख होते हैं, हम ओन करते हैं, वी फील सो ग्रेट ओनिंग देम। तो क्या हमारे घर में इस तरह की हैं, हिंसा से आया हुआ चीज़ है? पर्ल्स को एक बार कैसे निकालते हैं, पट्टू साड़ी कैसे बनती है, क्योंकि साउथ इंडिया में तो पट्टू साड़ी का क्रेज है, और मेरा भी यही इसी तरह का था, पट्टू साड़ी पूरा एक अलमारा पूरा भर भर कर पट्टू साड़ीज रहते थे मेरे। तो जब जानने के बाद कितना हम हिंसा और मर्डर करा, और हम दोनों भी एक ही हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो खा रहे हैं और हम दोनों भी एक ही तल पर आते हैं, तराजू एक ही है, हिंसा इज इक्वल टू इनटू द सेम तराजू। तो क्या हम आज से इस अहिंसा परम धर्म को हम अपनाएंगे, हर तरह से बहुत ही सूक्ष्म प्रिसाइज लेवल में हम हिंसा को छोड़कर हम अहिंसा को अपनाएंगे? अहिंसो परमो धर्म, तीन बार कहेंगे फ्रेंड्स, अहिंसो परमो धर्म, अहिंसो परमो धर्म, अहिंसो परमो धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस पल हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते इस धर्मा को, ये जो विश्व का हिंसा करे तो विश्व का वो एक्शन लेने के बदले में, जैसे कि हम भाई बहन होते हैं, छोटा बहन कुछ गलती करे तो भाई क्या करता है, अपने आप सेट कर लेता है, सही करके दिखा देते हैं, उसी तरह हम हमारे जो दोस्त हैं गलत करें तो सब तक इस संदेश को पहुँचा कर इस धर्म को रक्षा करने के लिए, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हम करें तो हम पूरा हम बच सकते हैं। एक ही रात्रि में अगर हम वो परिवर्तन ला सकते हैं तो हम इस पूरा धरती शांतिपूर्वक पीस एंड हारमोनी में हम रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो जोरदार तालियां हमारी परमित स्पिरिचुअल सोसाइटीज मोमेंट, पितामह पत्री जी का एकमात्र उद्देश्य, द ग्रेट एनलाइटन मास्टर जब धरती पर आते हैं तो मुख्य उद्देश्यों को लेकर आते हैं, एक एक मास्टर एक एक तत्व, जैसा बुद्ध भगवान वो दुख से कैसे बाहर आए, जब तक इस धरती में वो मार्ग नहीं था, वो उत्पन्न किया है, he sought after and he found out the solution, अष्टांग मार्ग को लाए हैं और सूत्र को बताए हैं कि हम सब सत्य को जानकर इस दुख से बाहर आए, हिंसा प्रवृत्ति से बाहर आए, तो वो उस तत्व से आए हैं, जीसस लविंग कंपैशन एंड इनडिस्क्रिमिनेटिव कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, बिना मांगे ही कंपैशन फॉरगिवनेस, इसी तरह पत्री जी आए हैं बस अहिंसा जगत के लिए आए हैं, शाकाहार जगत के लिए आए, तो वो पूर्ण कर हम सबको उनका वारिस बनकर गए हैं। तो हमेशा यही होते हैं कि इस धरती में उनका शिष्य ही उनका जो मुख्य का कारण होते हैं आगे ले जाते हैं, तो हम सब इसको उनका अंजाम तक पहुंचाएंगे ना फ्रेंड्स, अहिंसो परम धर्मा का और अहिंसा जगत की स्थापना हम 100% हम करेंगे, बाकी सब चीजों को छोड़िए, अहिंसा जगत का तो हमारी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पल हमें डिसाइड करते हैं उसी तरह का शक्ति स्थिति संदर्भ सभी द्वार खुल जाते हैं और अपने आप जो भी चाहिए हम सब उसको हासिल कर पाते हैं। मे बी यू वुड बी सेलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर एक डायरेक्टर बनकर आप एक मुख्य रोल प्ले करेंगे, और ये कोरोना के समय जो भी हुआ है उसके भीतर आप पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाकर बताएंगे, देखिए दिस इज अ थिंग एक्शन रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस हिंसा प्रवृत्ति दिस इज हैपनिंग और इसके वजह से हो रही है, तो नो नॉन वेज, मे बी ओवर नाइट डिसीजन हो करके
हिंसा, ये जो भी हम काट रहे हैं सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एक बार हमारी एक ग्रेट मास्टर का भी एक बायोग्राफी बनाने के लिए मुझे दिया गया था, तो उनको पीएचडी यूके गवर्नमेंट से मिलने वाली थी। उन्होंने बोला कि हमारे ध्यान के संबंधित इस तरह का आप कुछ कॉन्सेप्ट बना के मेरी बायोग्राफी बनाओ ताकि मुझे वो पीएचडी सर्टिफिकेट मिले, था क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए एक फर्दर होगा कि सी वी हैव दिस, ही इज़ द डॉक्टरेट इन दिस कॉन्सेप्ट, तो हम शो ऑफ करके भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए पूछा है, तो मैंने समझा, तो मुझे ये इंसाइट आया कि हम रूट लेवल पर हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं और अहिंसा के लिए, सो वी आर वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल। बाकी लोग सोशल लेवल में सोशल कॉज के लिए बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, तो बार बार रिपीट होती है, काना दिया तो फिर वापस बुक, फिर कुछ हेल्प किया तो फिर वो होते हैं, अभी किसी को हेल्प किया तो फिर वापस वो हेल्प जरूरी हो जाते हैं, एवरीथिंग रिपीट्स बैक बिकॉज रूट लेवल में बदली नहीं, ध्यान और ये शाकाहार का कॉन्सेप्ट जो है ग्रास रूट लेवल पर, तभी तो ये पूरा पीस एंड हार्मनी में युद्ध पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट को लिखकर मैंने उनको दिया, तो इमीडिएटली उनको अप्रूवल मिली है, डॉक्टरेट का उनका सर्टिफिकेट मिल गए। वो पता नहीं एक कैसे डाउनलोड हुआ वो कॉन्सेप्ट, वो जिस तरह से मैंने लिखा है। सो अहिंसा परम धर्मा आपका भीतर हमेशा वो चलती रहने, कैसे? तो अभी यहाँ पर पत्री जी और एक बात भी कहते हैं कि इस अहिंसा के संबंधित फिजिकल असॉल्ट जो होती है, मर्डर्स करते हैं हम दूसरों को, गुलामी, हर तरह का फिजिकली हम स्लेवरी, तरह तरह का अत्याचार, वुमेन के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस हिंसा। तो उस हर तरह से हमको उस हिंसा प्रवृत्ति से हमको बाहर आना है, दिस इज द मेन पॉइंट। तो मानसिक हिंसा जो है हिंसा नहीं है, पत्री जी कहते हैं, क्योंकि कोई आपको तुम अच्छी नहीं हो, तुम कुत्ता हो अगर कहें, तो हम कुत्ता हैं क्या, हम बोबो कर रहे हैं क्या, नहीं है ना, तो हम क्यों फील हो ना, कोई हमको कुछ भी कहे तो वी शुड नॉट टेक इट, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर भी, क्योंकि अभी तक एक ही तरफ है मगर दोनों तरफ है। तो हिंसा कोई भी बातों से नीचा दिखा रहे, वो सब हम किसी की बातों को नहीं लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड फिल्टर एंड टेक, यू शुड नो हु यू आर। अगर हम जानते हैं हम कौन है, तो हम कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे तो उस बात को हम नहीं मानते। अभी तक अब ध्यान मार्ग में आने के बाद बहुत इस तरह का परिवर्तन आपने देखे होंगे कि कोई आपको कुछ कहा तो आप अभी कुछ भी नहीं लग रही है, इट डजंट मीन एनीथिंग टू योर डॉल, कोई आपको चीट दिया, किया, धोखा दिया, कुछ दर्द दिया, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि आप जानते हो कि आप कौन हैं और ये कारणकारी संबंध है, इसके वजह से ही टोटल साइलेंस में हम रहते हैं, हाँ कि नहीं? नहीं रहेंगे तो आज से हम नथिंगनेस में रहेंगे। बुद्ध भगवान का स्टोरी पता है ना, कि बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आकर बुद्ध भगवान को बहुत उल्टा सीधा कहता है, अपशब्द कहता है, तुम काम नहीं करते हो, भिक्षाटन करके तुम इतना पूरा लेते हो, तुम इतहाटा कटोए कर सकते हो क्या, सभी लोगों को भिक्षु बना रहे हो, ब्रह्मचर्य का ऐसा ले रहे हो, उल्टा सीधा बहुत कहता है, बुद्ध भगवान चुपचाप रहता। तो अभी भी नहीं बदला बोलकर बुद्ध भगवान उसके ऊपर थूकता है, तब भी बुद्ध भगवान बस ऐसा कर ठीक है, जब भी तुमको गुस्सा आया तो मेरे पास आकर तुम कुछ भी करो, मैं अपने आप को चेक करूंगी कि मैं इस नथिंगनेस में हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अभी ये मत करिए कि अभी आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप ही ऐसा करें, क्योंकि हम बुद्ध अभी नहीं बने, बट बी अवेयर दैट यू आर नॉट, उस तरह का चक्कर में हम नहीं पड़े, इस बात को हमको याद रखना है। तो अहिंसो परम धर्म, मानसिक हिंसा हिंसा नहीं है, हम किसी और को हम अपनी बातों से शब्दों से नीचा नहीं दिखाएंगे, और कोई भी हमको इस तरह का नीचा दिखा रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, मान अपमान, उन सभी चीज़ों का कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ना चाहिए, इट इज़ नॉट एट ऑल रियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीवन एक मिथ्या है, और इसमें ये सब मिथ्या और भी उल्टा जो नहीं है वो बता रहे हैं, तो उस मिथ्या से हम दूरी रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो अहिंसा धर्म हमारे जीवन में अपने आप को लाना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मित्र धर्म। तो अहिंसा से हम क्या, हम मैक्सिमम हमारी हिंसा प्रवृत्ति से बाहर आ गए हैं, तो हमारी नेक्स्ट धर्म होती है कि हम
सबको अपना फ्रेंड माने, सबसे हम फ्रेंडशिप कर लेना है। तो अपने परिवार में एक दूसरे से, देवर देवरानी, भाई बहनों में, ये मेरा चीना है, वो मेरा चीना है, क्या तुम्हारा है, क्या तुम लाए हो, क्या लेकर जा रहे हो, कौन सा चीज़ किसके पास परमानेंट है, ये जीवन ही परमानेंट नहीं है, ये सत्य को जानकर मेरा पैसा, मेरी जगह, मेरी लैंड, मेरी इस मेरी मेरी में क्या पड़े हो, ये आपसे पहले किसी और का था, आपका माता जो है सिर्फ कर्म के हिसाब से इस जन्म में उनसे जुड़े हो, पिछले जन्म में कोई और थी। तो इस तरह का हर चीज़ को देखे तो कभी भी कोई भी चीज़ हमारा है ही नहीं, जो हमारा नहीं ही है ही नहीं, उस चीज़ को पकड़ने की हम कोशिश क्यों करते हैं। भाई बहनों में भेदभाव, पति पत्नियों में भेदभाव, बच्चों में, बाहर हमारी फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, राष्ट्रों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, इतना इतना मैं की भावना जो लेकर हम ओन कर रहे हैं, हम एक दूसरे का शत्रु बन गए हैं। तो इसे हम क्या, हम खुद का शत्रु बन गए हैं। तो हम फर्स्ट अगर अपने आप का मित्र बनना है तो हम ये जो भेदभाव है, ये जो अलग अलग रिश्तों को हम निभाते हैं, उन सभी रिश्तों को ड्रॉप करके एक एक रिश्ता को हमको निभाना है, वो है फ्रेंडशिप। जैसे कि हमारी बच्चे के संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी बड़ों के संबंधित हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माता पिता का देखभाल करना बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर तरह का रिश्ते का एक एक लिमिटेशंस होती हैं, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। पति पत्नी का भी अनकंडीशनल लव कहाँ है, यू गिव मी दिस आई विल गिव यू दैट, तो वहाँ पर हमारी एक एग्रीमेंट है, लॉ में मैरिज का एक एग्रीमेंट है। क्यों एग्रीमेंट बना, कि साफ साफ बता रहे हैं कि दिस इज जस्ट यू, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड हिम, तुमने सही नहीं किया तो इनको सही नहीं किया तो इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या वो सही रिश्ता हो सकती है? हम दोनों के एक अवसर को फुलफिल करने के लिए साथ में आए हैं। वहां पर सही रिश्ता यानी द फ्रेंडशिप नहीं रहने के कारण इतना डाइवर्सेस, इतना अफेयर्स, इतना बाहर, ये जो हम दुख रिश्ते में हम देख रहे हैं, जो कि दोनों को जोड़ा गया है, जैसे कि अभी हम मर्द नारीश्वर का है, एक ब्यूटीफुल कम्प्लीशन के लिए, मेल फीमेल का कम्प्लीशन के लिए, तो हम तो बैर बन गए, शत्रु बन गए एक दूसरे को। तो इस सब को ड्रॉप करना है, फ्रेंडशिप को, मित्र धर्म को अपने जीवन में अपनाना है।